told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. इस दिवाली आप सबके लिए रसमलाई एगलेस टार्ट की रेसिपी यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 60 ग्राम ऑफ अमूल बटर। सॉल्टेड बटर यूज़ करें, टार्ट का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे बटर था जिसे मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से स्पैचुला से इस तरीके से बराबर कर लिया है, मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं स्वीटनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर में है कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप यहाँ पर नॉर्मल शुगर यूज़ कर सकते हैं। शुगर भी अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप ब्राउन शुगर यूज़ करिए, मेबल सिरप यूज़ करिए या फिर हनी यूज़ करिए। ये सारी चीज़ें स्वीटनेस के लिए यूज़ होती हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को आपको हल्के हाथों से मिक्स करना है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने यहाँ पे और डाला है क्योंकि इससे हमारे टार्ट का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बिल्कुल एगलेस टार्ट बिना मोल्ड के, बिना किसी स्वीटनेस के अलग से मैंने ऐड किया, आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है इस टार्ट की रेसिपी के लिए। स्पेशली कोई मोल्ड यहाँ नहीं हमने लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप ऑफ मैदा यूज़ किया है। आप इसके आटे से भी बना सकते हैं। इस दिवाली आप इसे बहुत सारे टार्ट बना करके स्टोर करें, इसकी रेसिपी कंप्लीट करके रखें और जब भी कोई गेस्ट आए तो आप उसे सर्व करें और एंजॉय करें अपने फेस्टिवल अपने लोगों के साथ। ये देखिए इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मैंने यहाँ पर सिर्फ मिक्स कर लिया है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाला है हमारा ये आज का टार्ट। देख सकते हैं बिल्कुल क्रम्बल सी जो डो है, क्रम्बल सा हो जाएगा। इसे हमें गूथना नहीं है, कोई पानी कोई दूध आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसी तरीके से हाथों से मिक्स करना है स्पैचुला से। आप ये काम हैंड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपने आप ही एक डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसे मैं सिर्फ हाथ से एक सार करूँगी और उसके बाद इसे हमें करना है फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये हाथों से बाइंड हो जाता है, ना तो किसी दूध की ज़रूरत है ना ही पानी की ज़रूरत है। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि मैम टार्ट हम एक बार दो बार बनाते हैं उसके लिए हम मोल्ड्स खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। बिना मोल्ड के आप ये टार्ट आसानी से बिना ओवन के, बिना एग के, बिना शुगर के, बिना किसी बेकिंग पाउडर और सोडा के आप बना सकते हैं। ये देखिए आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला, आप उसे देख सकते हैं। मैंने थोड़ा ये छोटी छोटी चटनी की जो कटोरियाँ होती हैं ना घर पे, स्टील की कटोरी, यस आपको बस उस स्टील की कटोरी को लेना है, कोई ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। आप टार्ट का थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लोई ले लें, गोल कर लें और आपको उसके अंदर भर के इसे कटोरी का शेप देना है, दबाना है। बहुत मोटा टार्ट ना बनाएं, पतला पतला, बहुत ही पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक टार्ट भी हमें नहीं बनाना है। बराबर से दबा दें और ये देखिए उसका जो एक्स्ट्रा साइड का निकला हुआ था वो इस तरीके से चाकू से आपको बराबर करना है ना। बिना मोल्ड के बहुत ही ज़बरदस्त तरीका टार्ट बनाने का। अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो क्या करें, तो जो छोटे छोटे हमारे पास कप केक्स के मोल्ड होते हैं आप उसके साथ बना सकते हैं। आपके पास कप केक का जो टिन होता है आप वो भी बना यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास टार्ट के ही मोल्ड्स हों। मेरे पास तो टार्ट का मोल्ड नहीं है तो मैंने इस तरीके से कटोरी में ये टार्ट बनाया है। बहुत ही सुंदर शेप आता है, जिस तरह से हम कटोरी चार्ट बनाते हैं ना उस तरीके से कोई भी शेप का यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह के टार्ट के लिए, कटोरी बनाने के लिए। और इस तरीके से फोक की हेल्प से उसमें थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से छेद करना है ताकि टार्ट जो है वो बीच से फूले ना। बीच से फूल जाएगा तो आपका टार्ट में जो बीच का गोलाई आना है, जो आपके कटोरी का शेप आना है ना, वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, तो इस टिप को बिल्कुल भी भूले नहीं, ये करना मस्ट है अगर आप परफेक्ट टार्ट बनाना चाहती हैं तो। ये देखिए मैंने ये जो टार्ट बनाए थे स्पेशली मैं दिवाली के लिए, इस बार मैंने ट्राई किया है कि मैं इस बार दिवाली में इस तरह के बहुत सारे टार्ट बना करके रखूं। और इस टार्ट को आप स्वीट डेजर्ट्स के लिए भी सर्व कर सकती हैं, इसके लिए आप छोले वगैरह बना करके भी सर्व कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपका एक काम होगा और कई तरह की रेसिपीज़ आप इसमें सर्व कर सकती हैं इस दिवाली।
मेरे पास कपकेक का सिलिकॉन का मोल्ड है। देखिए सिलिकॉन के मोल्ड के थ्रू भी मैं इस टार्ट को बना रही हूँ। नॉर्मल हमें इसे बस फिल करना है और उसे चारों तरफ से दबाते हुए उसका एक शेप दे देना है। और यस, टिप बिल्कुल भी ना भूलें। बस तैयार है। अब मैं उन लोगों के लिए ये टार्ट शेयर कर रही हूँ जिन्हें एग नहीं पसंद, जिन्हें टार्ट खाना पसंद है, जिन्हें शुगर नहीं खाना, जिनके पास मोल्ड्स नहीं है, जिनके पास ओवंस नहीं है। तो ये देखिए, ये एक स्टील का मैंने प्लेट लिया, उसके ऊपर मैंने छोटी छोटी कटोरियाँ रखी। और ये मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है। नॉनस्टिक पैन सभी के घर में मिल जाता है। नॉनस्टिक पैन में इस तरीके से आपको इसे रख देना है। नॉनस्टिक पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट किया था और उसके बाद मैंने इसमें बेक करने के लिए 20 मिनट के लिए रख दिया था। 20 मिनट के आसपास आप इसे एक बार चेक ज़रूर कर लें। और जो मैंने देखिए OTG में बेक किया था, ये मेरा 15 से 17 मिनट में, ठीक 17 मिनट में ये पूरी तरह से बेक होकर के रेडी हो चुका है। देखिए, और 20 मिनट के बाद हमारा जो नॉनस्टिक पैन में जो पान मैंने यहाँ पर टार्ट बनाया था उसका भी आप कलर देख सकते हैं। कितना सुंदर हमारा जो कलर आया, बिल्कुल बिस्किट का जो कलर होता है वो कलर हमारे यहाँ पर आया। और बहुत ही सुंदर सा हमारा जो कटोरी का शेप है वो भी बहुत प्यारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे कैसे स्टोर करना है, कब तक स्टोर कर सकते हैं और कैसे सर्व करते हैं, ये आपको आगे की पूरी वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही इसको मैंने रसमलाई के फ्लेवर में कैसे तैयार किया है वो देखिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है बिना मोल्ड, बिना शुगर के, बिना बेकिंग पाउडर, बिना एग के हमारा परफेक्ट टार्ट। एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम यूज़ किया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम यूज़ किया था। एकदम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम है। इसे आपको स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लेना है। व्हिपिंग क्रीम अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मल अमूल क्रीम भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल स्टिफ पीक्स आने तक मैंने इसे बीट कर लिया है। आप चाहें तो इस पर शुगर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने शुगर बिल्कुल अवॉइड किया है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 1/4 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। यस, इसमें भी शुगर होता है, बट कंडेंस्ड मिल्क आप बिना शुगर के भी घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इन दोनों को आपको मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा ये जो क्रीम मैंने रेडी किया है, ये मैंने थोड़ा सा पाइपिंग बैग में अलग कर लिया था और आधी क्रीम में मैंने दूसरी चीज़ें ऐड की थी। और उसके बाद हम हमारे टार्ट को सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधी क्रीम मैंने बचा ली है, आधी क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में भर करके रख ली है। ये जो आधी बची हुई क्रीम है हमारी, इसमें हम ऐड करने वाले हैं रसमलाई। यस, आप होममेड रसमलाई भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मार्केट से भी ला करके यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने रसमलाई इस क्रीम में ऐड किया है। ये रसमलाई की क्रीम मैंने तैयार की है इसके साथ। बीट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसे हल्के हाथों से स्पैचुला से क्रीम के साथ इस तरीके से मिक्स कर दें। आप चाहें तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, केसर, रोज़ पेटल्स, सारा कुछ इस पर डाल सकते हैं, बट मैंने इस बार बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं। अब जो क्रीम हमने पाइपिंग बैग में फिल की थी उससे आपको इसका बेस कवर करना है। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी आपको पाइपिंग बैग में ये क्रीम रेडी करनी है। कंडेंस्ड मिल्क वाली क्रीम है। अब इसके ऊपर हमने जो रसमलाई की क्रीम तैयार की थी, वो रसमलाई की क्रीम आपको हर टार्ट में ऊपर तक फिल कर देना है। 1-1 टेबल स्पून आपको इसमें अच्छे से भर के यूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए इस पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये रसमलाई है, रसमलाई टार्ट की रेसिपी है, तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आप इस पर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया था इस बार, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से चाहिए था। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो रसमलाई था उसका रस मैंने निकाल दिया था। अच्छे से चम्मच से दबाते हुए आप उसका रस निकाल दें और उसके बाद आप हर एक टार्ट के ऊपर इस तरीके से रसमलाई डाल दें। नॉर्मल पिस्ता और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे। ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता को मैंने ऊपर से बोरक कर डाला था। आप बहुत तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। रेड चेरी यूज़ कर सकते हैं। रेड चेरी मैंने भी यहाँ पर यूज़ की थी। थोड़ा सा डेकोरेशन के अगर आप रेड कलर इस पर यूज़ करते हैं तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आने वाला है। और तैयार है हमारे आज की ज़बरदस्त एगलेस रसमलाई टार्ट की रेसिपी। इस दिवाली एंजॉय करें बेकर बाय नेचर रेसिपीज़ के साथ। बहुत ही ऑसम और बहुत ही सिंपल सी रसमलाई टार्ट की रेसिपी। इसे स्टोर कैसे करना है, बहुत सारे टार्ट आपको बना लेने हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में। बेकिंग पाउडर के साथ आपको इसे, बेकिंग पेपर के साथ आपको इसे स्टोर करके रख देना है। बिल्कुल 1 महीने तक आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। क्रीम रेडी कर ले, फ्रिज में रख सकते हैं। आप क्रीम 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये क्रीम पहले से बना करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिवाली के लिए आपकी तैयारी पहले से आप ये प्रिपेयर करके रख सकते हैं।
देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट हमारा क्रिस्पी भी था और बहुत सॉफ्ट रेडी हुआ था ये। तो फटाफट से जाइए और ज़रूर तैयार कीजिए इस दिवाली ये रेसिपी, और मुझे लाइक और कमेंट करके बिल्कुल भी बताना नहीं भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। मैं फिर मिलूँगी, बाय बाय।